गीता के 11वें अध्याय के अनुसार अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए। जब वे देखते हैं कि योद्धागण विराट भगवान के मुख में प्रवेश कर पिस रहे हैं और भगवान उन्हें चाट रहे हैं, वहीं जब उस रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि योद्धा तो तुम्हारे बिना भी नहीं बचेंगे, इसलिए निमित्त मात्र बनकर युद्ध लड़ो और जीत कर राज्य का भोग करो, तो वह स्तुति कर क्या कहते हैं, समझते हैं श्री भगवद गीता के इन श्लोकों के द्वारा। मैं जो हूँ काल हूँ सब यहाँ के, जब ये बता दिया तो अर्जुन कैसे भयभीत हुए। और ये देखो कि हम अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, बाद में पता चले कि तो MD है, तो फिर हमारे साथ क्या फीलिंग होगी, वो सारी फीलिंग देखो। स्थाने हृषि के शितव प्रकीर्त्या जगत प्रहश्चत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतां विदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। करे स्थाने, मतलब स्थान पर है, सही बात है, योग इस बात के योग्य है क्या कि कुछ लोग जो हैं प्रकीर्ति तुम्हारी कीर्ति गा रहे हैं। हे ऋषिकेश, स्थाने ऋषिकेश तब अब प्रकीर्ति तुम्हारा कीर्तन कर रहे हैं। जगत प्रहश्चत्यनुरज्यते च, सारा जो संसार है वो तुम्हारी स्तुति कर रहा है और तुम्हारे यश गा रहा है। समझे, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, जो राक्षस लोग हैं वो डर के मारे डिफरेंट दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध समूह जो है, वो आपको बार बार नमस्कार करे जा रहा है चारों तरफ। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत्तत् परम यत्। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन, हे महात्मन वो तुम्हें क्यों न नमस्कार करें। गरीयसे, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे, और ब्रह्मा आदि सबके ही आप रचयिता हैं। अनंत देवेश, आप अनंत हैं। देवेश सब देवों के देव हैं। जगन निवास, सारे संसार में आपका निवास है। त्वम अक्षरम, तो अविनाशी हो। सद असत परम यत, सत और असत दोनों से परे हो, इसलिए वो सब नमस्कार कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड है, वो तो करेंगे ही। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तुम आदिदेव पुरुष हो, त्वमादिदेवः पुरुषः, तुम आदिदेव पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य, तुम ही विश्व के सबसे बड़े आश्रयदाता हो। परम निधानम वेता सिवेद्यम, और सब चीज़ों के तुम ही जानकार हो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे होगा, जो कुछ भी है। वेता सिवेद, जो जाननी योग्य चीज़ें हैं, जो सब लोग जानना चाहते हैं, वो सब आपको ही मालूम है, और किसी को मालूम नहीं। परंच धाम, आप बिल्कुल परम हो, परम धाम, चेता परम धाम। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, आप ही जो है विश्व के अनंत रूप हो सब में। वायुर्यमग्निर् वायो वायुर्यमग्निर् वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुन सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमः नमस्ते। वायु, यम, अग्नि, शशांक, शंकर जी, चंद्रमा, प्रजापति और
प्रपिता मतलब जितने भी पितामह ब्रह्मा नमः तो सहस्त्र के हजारों बार आपको नमस्कार कर रहे हैं, पुनश्च भूयो भी नमस्ते, फिर बार बार करके नमस्कार कर रहे हैं। नमः पुरस्ता गत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वते एव सर्व अनंत वीर्यावित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि तप ततोसि सर्व। नमः पुरस्ता आगे से नमस्कार है, पृष्ठतस्ते पीछे से भी नमस्कार है, नमस्तुते सर्वत्र सब तरफ से नमस्कार है। अनंत वीर्य आप अनंत वीर वाले हो भगवान, विक्रमस्तुम सबसे ज़्यादा विक्रम शक्तिशाली आप ही हो, सर्वम सपना और सब में आप व्याप्त हो, समाप्नो उसी ततो उसी सर्व, सब जगह व्याप्त हो, सब शक्तिशाली हो, सभी कुछ आप ही हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रलयेन वापि। आपको दोस्त मानकर सखा मानकर प्रसभम अनजाने में यदुक्तम जो मैंने आपसे कहे हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखा जो हम आपसे कहते रहते थे इस तरह से, अजानता महिमानं तवेद मुझे तुम्हारी महिमा का ज्ञान नहीं था, और ये मुझे मेरे द्वारा प्रमाद या प्रणय, प्रमाद में आलस्य पड़े हुए हैं, प्रमाद में कह दिया कह गए या प्रणय में प्यार से कह गए, और सब उल्टा सीधा हम आपसे बोलते रहते थे। यच्चावहासार्थमसत् कृतोषी विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम तच्छामये त्वामहम प्रमेयम्। यत च अवहासार्थ आपका मजाक बनाने के लिए, जो मैंने आपका मजाक बनाने के लिए आपका हंसी करने के लिए, असत्कृतोसी सत्कार करना असत्कार करना, निरादर किया अपमान किया, क्योंकि दोस्त थे आप सब कुछ कहते रहते थे, आपका निरादर भी करते रहते थे, समझे, तो कहा यह हंसी में या मजाक में हम आपका निरादर भी करते रहते हैं। विहार शय्यासन भोजनेषु तो विहार में जब हम आपस में बातें करके घूम रहे हैं विहार कर रहे हैं कर शय्यासन या बेड पर बैठे हैं परंतु ही आपस में बैठ के जो है बातें करते थे, भोजनेषु खाने साथ साथ खाना खाते थे, भोजन के टाइम पे भी तो सब टाइम पे हम तुमसे ऐसे तो ये ले ये कर ले वो कर ले सब उल्टा सीधा सब बोलते रहते थे, आप तो दोस्त हो हंसी मजाक में सब कुछ कहते रहते थे इसी टाइम पर, एक वो अकेले भी कहते थे अथवा के चित्त समक्षम और दूसरों के सामने भी कहते थे, कभी दूसरों के सामने भी तुमसे हंसी मजाक में सब उल्टा सीधा बोलते रहते थे, वो अकेले में भी कहते रहते थे उल्टा सीधा बोलते रहते, तच्छामये त्वामहम प्रमेयम्। आप अद्वितीय हैं मुझे माफ़ कर दो, सब जो है मैं दोस्ती में इसमें सब कहता रहता आपका अपमान करता रहता था, तो सब क्षमा कर दो मुझे। पिता श्लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। पिता श्लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव। आप पिता श्लोक से चरा आप सारे लोक और सारे चराचर के आप ही पिता हैं, त्वमस्य पूजस तुम सबसे पूजनीय हो और गुरु गरियान सर्वश्रेष्ठ हो, सब गणमान सबसे ज़्यादा गणमान हो। न तत्समूह अस्तभित का कुतोनियो तुम्हारे जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, लोकत्रय तीनों लोकों में कोई नहीं है, अप्रतिम प्रभाव इतना प्रभावशाली जो सबको पैदा किया सब कुछ किया इतना प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है, समझे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम।
पितेव पुत्रस्य सखेव सक्षु प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायम्। इसलिए मैं पूरे शरीर से आपको नमस्कार कर रहा हूँ, उनसे साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ। तो हम मिश मीडियम आप ही सबसे बड़े ईश्वर और पूजी, जो कुछ भी सब कुछ आप हैं। पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र के सब अपराध क्षमा कर देता है, पुत्र कुछ भी करता रहे लेकिन पिता उसके सब अपराध क्षमा कर देता है। सखे व सख्यु, दोस्त भी दोस्त के सब अपराध क्षमा कर देता है, ध्यान नहीं देता उनकी बातों। प्रिया प्रिया, अगर कोई प्रीतम है अपने प्रेमिका का, सारी उल्टे सीधे कुछ भी बोले सब वो माफ़ कर। इसी तरह से आप योग्य हैं कि मेरे सारे अपराध जो है ना आप क्षमा कर दो, जो कुछ हम करते रहे आपको। अदृष्ट पूर्वम कृषितोस्मि दृष्ट्वा भयन भयेन च प्रव्यथितम मनोमि तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये जो तुमने अदृष्ट पूर्व, जो आपने कभी पहले नहीं देखा वो रूप आपने मुझे दिखाया है, इससे मैं हर्षित हो रहा हूँ और भयेन च प्रव्यत्तम मनो में, लेकर मन भय से कांप भी रहा है। जो आपने विकराल रूप दिखाया ये तो हर्षित हो रहा हूँ कि मुझे मौका मिला है, कभी पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा मन और भय से कांप भी रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, इसलिए आप अपना देव रूप दिखाओ, ये विकराल रूप जो है अब हटाओ, मैं घबरा गया। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगन निवास, हे भगवान, आप जो है खुश हो जाओ और मुझे अपना देव रूप दिखाओ, और देव रूप कैसा है मैं बताता हूँ आपको, वो दिखाओ। मैं किरीटनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ति। आप विश्वमूर्ति हैं, सहस्त्रबाहु अभी हजारों बाह हैं, मैं ये सब नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ किरीटनम गदिनम चक्रहस्त, एक मुकुट पहने हुए हो, गदा और चक्र हाथ में लिए हो, समझे, उसी तरह का रूप दिखाओ, तेने उसी चतुर्भुज रूप में हमारे सामने प्रकट हो, जो कि आपका है इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। मुझे ये नहीं चाहिए हजार बाहों वाला रूप। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनिए। जग उचित ही हर्षित मिले अनुराग तव यश गीत से, सिद्ध संघ नमित राक्षस चहु दिश भगे भयभीत से। ब्रह्म के भी आदि श्रेष्ठ न कैसे तुम्हें नमन करे, अव्यय अनंत जगन निवास सुरेश सत व असत परे। तुम आदि देव पुरुष पुरातन विश्व के आश्रय स्वरूप, ज्ञे ज्ञाता परम धाम यह विश्व तुमसे अनंत रूप। वायु यम अग्नि वरुण शशि विधव तुमसे विधि सर्जन, वायु यम अग्नि वरुण शशि विधिव तुमसे विधि सृजन। नमन तुम्हें सहस्त्र नमन व पुनः भी फिर नमन नमन। नमन सर्वव्यापी तुम्हें सन्मुख पीठ सब ओर से, सर्वयुक्त अनंत वीर अमित विक्रम सब छोर से। बिना सोचे मान मित कृष्ण सखा यादव कहा, बिना सोचे मान मित्र कृष्ण सखा यादव कहा। प्रेम व आलस्य नहीं था ज्ञात तो महिमा महा, विस्तर विहारासन वखाने में की जो असभ्य बात। विस्तर विहारासन वखाने में की जो असभ्य बात, अन्य सन्मुख या अकेले असीमा न मुझे ज्ञान।
पिता हो इस लोक के तुम, चर अचर के पूज्य श्रेष्ठ, कहां अन्य त्रिलोक में तुमसे अधिक है कोई ज्येष्ठ। साष्टांग प्रणाम कर हो दंडवत मैं करूं विनय, साष्टांग प्रणाम कर हो दंडवत मैं करूं विनय, आप ईश्वर पूजनी क्षमा करो कर दो अभय, पिता जैसे पुत्र के सब सखा मित्रों के सभी, अवमान ना सहते प्रिया प्रिय के सदा रह सहृदय, हर्षित हूँ देख के रूप ऐसा पहले जो देखा नहीं, व्यथित मन भय से मेरा अब नहीं है शांति कहीं, प्रभु प्रसन्न हो जाइए प्रभु प्रसन्न हो जाइए, देवों के ईश जगन निवास उसी देव स्वरूप में दर्शन दिखा दीजिए, यही चाहता हूँ देखना मैं मुकुट को पहने हुए, चाहता हूँ देखना मैं मुकुट को पहने हुए, हाथ में गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, हाथ में गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, मुझे दर्शन दो अभी उसी चतुर्भुज रूप में, मुझे दर्शन दो अभी उसी चतुर्भुज रूप में, विश्व मूर्ति सहस्त्र बाहु नर विराट स्वरूप में। नाउ लर्निंग, द फर्स्ट लर्निंग इज दैट इवन टेरिबल फॉर्म इफ लुक्स हेल्पिंग प्लीजेस अस। अर्जुन वॉज हॉरिफाइड बैडली आफ्टर सीइंग द विराट रूप, बट when Lord Krishna told that he has already killed all his enemies, now Arjun is to become only for the namesake, he is to fight only for the namesake and Arjun will win war, then Arjun become happy, he became very pleased though he was horrified earlier. The second learning is that everyone salutes the powerful person only. When Arjun realized that Lord Krishna is the most powerful person, he is the Lord, he is supreme being, then he became horrified, started saluting. He became Dandavat. He surrendered fully. So it clearly indicates that everyone salutes the powerful person. The third learning, that your response depends upon others' capability. You change your response towards others the moment you realize that he is most capable person. When Arjun was considering Krishna as his friend or as his relative, he was doing all the loose talks. But the moment Arjun realized that Lord Krishna is not an only ordinary person, he is a supreme being, he is fully capable to do anything, then he start simply asking to give forgiveness. He started repenting and asking to forgive him.
for the all wrongdoing, whatever he has done when he was considering him as a friend or relative. The fourth learning is, we always want that even supreme being should be in the pleasing form. When Arjun was seeing Lord Krishna in Virat Roop, he was horrified. And though he became pleased to see that Lord Krishna is helping, but even then, he was not satisfied. He was not getting peace in the Virat Roop form. Rather, he wanted that Lord Krishna should take Chaturbhuj Roop, the pleasing form of the God. Friends, I think you must be satisfied with the Virat Stuti, which Arjuna has done, and I have tried to compose it in the poetic form. If you liked it, please subscribe so that I am inspired to do it further and translate the Gita in Hindi poetic form. Thank you.